अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं firstbite.tv। मामला मेरठ के मंगल पांडे नगर का है, जहां इंद्रप्रस्थ प्रदेश संघर्ष मोर्चा की संस्था द्वारा एक गंभीर फैसले की घोषणा की गई है, जिसमें उन्होंने मेरठ के MIET स्कूल पर छात्रों की फीस को लेकर परिवार पर जबरन दबाव बनाने से दुखी होकर अभिभावक सेल ने कल यानी 26 फरवरी 2021 को MIET स्कूल की छत से कूदकर आत्महत्या करने का फैसला लिया है। जी हाँ, उन्होंने ऐसा स्कूल प्रशासन के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए किया है। बता दें कि आज सुबह उनके द्वारा मेरठ के सभी अखबारों में इस जानकारी से जुड़े पर्चे लोगों तक पहुंचाए गए, जिसमें सबसे अहम दो नाम रहे जिनका उन पर्चों पर नाम दर्ज है। एक अशोक सिवाज, जो कि इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वहीं दूसरा नाम डॉक्टर आफताब अली का है, जो इस संस्था में राष्ट्रीय महासचिव है। वहीं उन्होंने उन पर्चों से नाम पते की जानकारी सही से ना देते हुए फिर भी उसे छापा गया, और यह सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या यह कुछ लोगों की मिलीभगत है, क्योंकि जब हम इस सिलसिले से जानकारी लेने पहुंचे तो वहां मौजूद इंद्रप्रस्थ प्रदेश संघर्ष मोर्चा की सदस्य से जब हमने इस बारे में जानना चाहा तो वो मैडम इस मामले से बचती हुई नजर आई और कुछ इस तरह से हमारे सामने अपनी बात रखी। आइए देखते हैं क्या बता रही हैं इंद्रप्रस्थ प्रदेश संघर्ष मोर्चा की सदस्य मुक्ता चौधरी। देखो, चिकित्सा और शिक्षा पे संविधान में भी लिखा है, इस पे कोई व्यापार नहीं होना चाहिए। आज के सभी स्कूल व्यापार कर रहे हैं, जो कोरोना काल में भी सब काम बंद है, इनकी फीस का दबाव बच्चों पे पूरा बना हुआ है। अब पेरेंट्स क्या करें, कहाँ से इतनी फीस लाए जो कि वो उन्हें चुका सके। स्कूल वाले इस चीज़ को मान के ही नहीं चल रहे, जो कि इतना मोटा पैसा वसूल करने के बाद भी वो एक साल की फीस नहीं छोड़ सकते, लेकिन नहीं छोड़ रहे। इसीलिए शिवाज जी ने ये स्टेप उठाया है कि यदि अगर मैं मर भी जाऊँगा तो कम से कम जो मेरे पीछे इतने जो आपके इन्हें सपोर्ट मिली है, सभी संस्थाओं से इन्हें सपोर्ट मिल रही है और सब इनके साथ है। तो मैम, ये अशोक शिवाज जी से आपका क्या रिलेशन है, कौन है वो? वो हमारे इंद्रप्रस्थ के अध्यक्ष हैं। कौन सी संस्था है आप सबकी, कौन कौन लोग? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। तो इनका क्या लक्ष्य क्या है इसमें पूरी सभा का? इनकी तो वकील से लेके जज से लेके सभी की है कि भाई क्यों नहीं केस फाइल होते और क्यों ऐसा होता है जो न्याय नहीं मिलते। सब मतलब भ्रष्टाचार पे आज दुनिया टिकी हुई है। तो मैम, जैसे कि उन्होंने आत्महत्या करने का इतना बड़ा फैसला लिया है कि वो MIT की जो छत है वहाँ से कूदकर अपनी जान देने का उन्होंने फैसला लिया है, तो आप उनके इस फैसले से अग्री करते हैं? नहीं, मरना नहीं चाहिए उन्हें जी। लड़ना चाहिए सरकार से जी। और वो करना चाहिए, मरने की कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि ऐसे उनकी जो है आत्महत्या करने से जो है सरकार उनकी सुन लेगी, प्रशासन, स्कूल प्रशासन फीस माफ कर? हाँ, कुछ जब ऐसा होगा तो पब्लिक भी देखेगी, वो अपने लिए तो कर नहीं रहा जी। वो तो सभी के लिए कर रहा है, सभी स्कूलों के लिए, सभी बच्चों के लिए कर रहा है, सभी पेरेंट्सों के लिए कर रहा है। अजय, वो सबके लिए लड़ रहा है तो उसके साथ है सब जी। तो ये कदम उठाने से पहले उन्होंने पुलिस प्रशासन या कोई भी प्रशासन से इस बारे में गुहार लगाई? हाँ, उन्होंने बहुत बार ये कई बार ये धरना दे भी चुके जी। लेकिन अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया इसका। तो जैसा कि आपने देखा, वो अपनी संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों से सहमत नजर आई। वहीं अब देखते हैं क्या कल इंद्रप्रस्थ प्रदेश संघर्ष मोर्चा की संस्था द्वारा जो यह आत्महत्या करने का ऐलान किया गया है, तो क्या वह कल सच में अपनी जान गंवाने को तैयार है या इसमें कोई चालसाजी चल रही है? वहीं क्या प्रशासन इस मुद्दे पर कोई एक्शन लेता है या नहीं, जानने के लिए देखते रहिए firstbite.tv। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।